मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक उदाहरण से समझेंगे एब्स्ट्रैक्शन और समरी राइटिंग। ऐसे मैंने आपको पहले बता ही चुका है कि जो समरी राइटिंग है वो पार्ट ऑफ नोट मेकिंग है। तो एक उदाहरण से समझते हैं। एक पैसेज लेते हैं और पैसेज है हमारा There are two way to become wealthy. There are two way to become wealthy. To create wealth are to create wealth are to take wealth away to take wealth away from others. The farmer is to society The latter typically subtract subtracts from it. For in the process, of taking it away, Wealth gets destroyed. A monopolist who overcharges for his product takes away money from those whom He is overcharging those whom he is overcharging and at the same time. Destroys value
टू गेट हिज मोनोपोली प्राइज ही हैज टू रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन स्टिक लीड्स जेई The price of inequality London Penguin तो इस पैसेज के आधार पर हमें जो समझाने वाला है वो कौन है, और हम जानते हैं कि कोई एब्स्ट्रैक्शन या समरी राइटिंग शुरू होना चाहिए, इट शुड बी वन पैराग्राफ डूइंग विद इंट्रोडक्शनरी सेंटेंस, इंट्रोडक्शनरी उस पैसेज के बारे में किसने कहा है, हो सकता है ऑथर हो सकता है वो टाइटल का नाम ही आ जाए। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहां पर, यहां जब हम लिखते हैं समरी, यहां से समरी शुरू होता है समरी राइटिंग, तो पाते हैं इसने बोला है ये 2013 तो स्प्लिंग्स 2013 या 2013 क्या किया है उसने, सजेस्ट किया है, सजेस्ट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि समरी राइटिंग या एब्स्ट्रैक्शन राइटिंग should be in present tense, वो present tense में होना चाहिए। Sometimes past tense में होता है जब कोई paper का cutting, उसका writing वगैरह दे दिया हो तो उसको ध्यान रखना है। बाकी सारा चीज जो है आपका summary writing किस में होगा, simple present tense में ही होगा। Okay? Present tense के अंतर्गत आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां देखिए शुरू करते हैं, तो ये शुरू में आपका दिख गया that creating well aid values, well aids value to society, but taking a way the wealth of others distract from
it. He uses the example. ये इन्होंने सजेस्ट किया वो. अब मोनोपोली बीच में देखे थे तो जो हमको इसके बारे में बता रहा है इनइक्वालिटी द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी. ये हमारा जो टाइटल बना है द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, यहाँ आप टाइटल लिख सकते हैं, खाली समरी बता रहा हूं मैं. तो उन्होंने एक एग्जांपल लिया है. क्या एग्जांपल लिया है? द एग्जांपल ऑफ द मोनोपोलिस्ट, द एग्जांपल ऑफ द मोनोपोलिस्ट हू ओवर चेंजेस हू ओवर चेंजेस फॉर हिज प्रोडक्ट फॉर हिज प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वेल्थ लॉस ऑफ वेल्थ फॉर द कस्टमर फॉर द कस्टमर but also loss of value as the monopolist has to restrict production in order to charge the higher price. इसमें आपको कुछ चीजों को और ध्यान में देना है कि जो आपका परीक्षा बोर्ड में आपके गाइड में जो दिया है तो वही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जो समराइज करता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि किन चीजों को उन्होंने पॉइंट में लिया है और उस आधार पर जो है उसका वर्णन किया है. तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है प्रेजेंट टेंस. अगर ये प्रेजेंट टेंस आपका ठीक है ट्रांसलेशन, तो आप उसको समझ सकते हैं और समझ कर अपने हिसाब से वाक्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं. यह तो केवल एक पैराग्राफ का था. नोट मेकिंग में हर पैराग्राफ का आपको एक वाक्य बनाना है और इस प्रकार से चार पांच वाक्य में समरी राइटिंग को कंप्लीट करना होता है. तो यह हुआ आपका एब्स्ट्रैक्शन या समरी राइटिंग. तो मेरे वीडियो को चैनल को लाइक करना ना भूलें, और कोई समस्या आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा.